हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बैंकिंग सूत्रा चैनल। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप लोगों को जिन्होंने हमारे इस एमसीक्यू सीरीज को बहुत लाइक करा और रिक्वेस्ट करा मुझसे कि इस एमसीक्यू सीरीज के वीडियोस को आप डालते रहिए, इसको बंद ना करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमारे इस एमसीक्यू सीरीज वीडियोस को लाइक करा और पसंद करा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम और आरबीआई असिस्टेंट और बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के करंट ट्रेंड्स पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले गाइस, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों पे मौजूद हैं। और आप हमारी वेबसाइट bankingsutra.net पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमने बैंकिंग के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पोस्ट में डाले हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एज ऑन दिसंबर 17 कितने बैंक्स को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन के अंदर डाला हुआ। तो इसका आंसर है 10। इसका आंसर है 10, क्योंकि रिसेंटली अभी जब बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन के अंदर डाला, तो टोटल काउंट हो गया है 10, ठीक है। और इससे जस्ट पहले कॉरपोरेशन बैंक को डाला था, ठीक है, ये लेटेस्ट में डाला गया है, ठीक है। तो विद इन 10 मंथ्स ऑफ टाइम ये 10 बैंक अभी तक करंटली 10 बैंक्स जो हैं पीसीए के अंदर आ चुके हैं। एज पर आरबीआई रेगुलेशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी परसेंट ऑफ जो ब्रांचेज हैं वो अनबैंक रूरल एरियाज में खोलना आवश्यक है। तो इसका आंसर है 25%। 25% बैंक ब्रांचेस जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी टोटल 100% में से 25 ब्रांचेस खोलनी होंगी अनबैंक रूरल एरियाज में, मतलब जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है रूरल एरियाज में, वहां पर अपनी 25% ब्रांचेस वहां खोलनी होंगी। आरबीआई ने अभी किस एंटिटी को बैंक नेम यूज करने से मना करा है, किस तरह की एंटिटी को? तो इसका आंसर है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है अपने नाम में बैंक नहीं लिख सकती, जो कि वायलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को। आरबीआई ने कहा है कि आपका जो आप नाम लिखते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, आप उस पे अपना बैंक लिखना बंद कर दो, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत वायलेट करता है। कोई भी नॉन बैंकिंग एंटिटी अपने नाम के आगे बैंक नहीं लिख सकती। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो देख लेते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय आरबीआई, एकदम सही बात है। आरबीआई अपॉइंट करता है बैंकिंग ओम्बड्समैन को। ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इज मोस्टली सिचुएटेड स्टेट कैपिटल्स, ये भी सही है। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये भी एकदम सही है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीस, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। RBI provides which type of credit facility to government of India and state government in order to overcome tight money position between payment and receipt of the client? मतलब जो government को जरूरत पड़ती है money की tight money position के दौरान, तो वो जो RBI facility provide करता है government को पैसा देने की, उस facility का क्या नाम है? तो उस facility का नाम है ways and means advances। इनमें से कौन से तरह के चेक है जिसको बैंक ऑनर नहीं करता है? तो इसका आंसर है स्टेल चेक। स्टेल चेक ऐसी चेक होती है जो कि अपनी वैलिडिटी पीरियड पार कर जाती है, एक्सपायर्ड हो जाती है। आपको पता ही है 3 मंथ्स का टाइम होता है किसी भी डीडी और चेक को, उसकी मिनिमम वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है डेट ऑफ इश्यू से, मतलब जब वो साइन होके डेट उस पे पड़ गई चेक पे, तो उसके 3 मंथ तक आप बैंक में प्रेजेंट करके पैसा
उठा सकते हो, लेकिन जैसे ही 3 मंथ हो जाएंगे वो चेक हो जाएगी क्या, स्टेल चेक, मतलब अनवैलिड चेक, एक्सपायर्ड चेक। उसके बाद बैंक आपकी चेक को ऑनर नहीं करेगा, पैसा आपको नहीं देगा। NIBM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर है पुणे। व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन AEBA? तो मैं बता दूं आपको, AEBA न्यू टर्म है, हालांकि बहुत कोई बड़ा ऐसा टर्म नहीं है। इसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट। जितने भी बैंक अकाउंट्स जो कि आधार से सीडेड हैं, उनको हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बैंक। IIN इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का नंबर होता है? पहले तो मैं बता दूं ये होता क्या है। ये एक्चुअली NPCI इशू करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन सभी मेंबर ब्रांचेस, मेंबर बैंक्स को, सॉरी, ठीक है, जो कि APB आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से लिंक्ड है। मतलब जितने भी बैंक्स हैं जिनको आधार से लिंक्ड उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें आधार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कराने, मतलब आपने अपना आधार नंबर दिया, सिर्फ सिर्फ अपना आधार नंबर दिया और आपका ट्रांजैक्शन हो जाए, ठीक है, फंड ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके लिए आपको NPCI के थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम में रजिस्टर होना होगा उस पर्टिकुलर बैंक को। ठीक है, तो अब NPCI कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा बैंक को आधार से बेस्ड ट्रांजैक्शन करना है, और NPCI को ढूंढने के लिए उसके पास बैंक तो बहुत बड़ा नाम हो जाता है, इसलिए वो IIN इशू करता है, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करता है, जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा बैंक जो है वो उसका नंबर के अकॉर्डिंगली वो उसे ढूंढ पाए। ठीक है, इसीलिए ये 6 डिजिट का नंबर होता है, और याद रखिए आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए ये यूज होता है। AEPS इज अ बैंक लेड मॉडल विच अलाउज ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन। लेकिन ये AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, AEPS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और ये मोस्टली कहां पे टारगेटेड है, कहां पे ये ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये मोस्टली कहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये होते हैं POS में, जो माइक्रो ATM होता है POS, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, मोस्टली ये टारगेट करे जाते हैं माइक्रो ATMs को, माइक्रो ATMs। नेक्स्ट, कौन सा फीचर जो है वो AEPS में मौजूद नहीं है, मतलब आप क्या फंक्शंस नहीं कर सकते हो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आप वर्चुअल कार्ड क्रिएशन नहीं कर सकते हो, बाकी आप क्या क्या कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, और प्लस आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने एक आधार नंबर से आपका लिंक्ड अकाउंट, ठीक है, तो आपने अपना आधार नंबर दिया, ठीक है, मैं आधार नंबर दिया, और जिसको आपको फंड ट्रांसफर करना है उसका आधार नंबर दिया, सिर्फ, कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, किसी तरह के MMID किसी चीज की जरूरत नहीं जो आपको याद करनी हो, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, बंदे का आधार नंबर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FRDI बिल, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। हाल ही में बहुत ही ज्यादा न्यूज में था अपने बेल इन क्लॉज के लिए, जिसमें ये हो रहा था कि भाई जितने भी लोगों का पैसा जमा है बैंकों में, वो बैंक अपनी स्थिति ठीक करने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, हालांकि ये बिल अभी तक पास हुआ नहीं है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है बेल इन क्लॉज में। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं, मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। तो इसका आंसर होगा रेजोल्यूशन।
कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग का लाइसेंस मिला था आरबीआई से जिसको, ठीक है, तो वो बैंक है, मैं बता दूं आपको, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, पीपीआई का मतलब क्या है? पीपीआई होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, नॉट इंटरफेस, याद रखिएगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये होते क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जिनका आप पैसा जिनमें भरा सकते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल हो सकते हैं वो, ठीक है, वैलेट्स हो सकते हैं, इसका एग्जांपल होगा जैसे पेटीएम, वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, फ्री चार्ज हो गया, ठीक है, मोबी क्विक हो गया, ये सब क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसका भी लाइसेंस आरबीआई के थ्रू इश्यू होता है। आरबीआई जब तक अपना लाइसेंस नहीं देगा पीपीआई के लिए, आप नहीं खोल सकते इस तरह के वैलेट्स। अगर किसी भी कस्टमर को यूएस डॉलर परचेज करना है, मान लीजिए अपनी कंट्री में, तो वो कहां पे अप्रोच करेगा? किसी फॉरेन बैंक के ब्रांच में, अमेरिकन एक्सप्रेस ब्रांच में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में? नहीं, वो अप्रोच कर सकता है आरबीआई या कोई भी ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ ए बैंक में जो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ऑथराइज्ड हो, और उनको जनरली हम बोलते हैं उस तरह की ब्रांचेस को ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, एडीज। बट यूएस डॉलर आपको अपनी कंट्री में खरीदने के लिए पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन, तभी आपको इश्यू करा जाएगा, वरना तो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आरबीआई में जाइए या तो ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच में जाइए। कौन सा वर्ल्ड बैंक का ऐसा सब ऑर्गेनाइजेशन है या आर्म कह लीजिए जो कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट की गारंटी देता है? तो वो है मीगा, मल्टीलेटरल इंश्योरेंस गारंटी एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की जो कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और क्रेडिट एनहांसमेंट की गारंटी प्रोवाइड करती है। अब बताइए मॉर्गेज जो है वो किस तरह के लोन से रिलेटेड है? तो मॉर्गेज रिलेटेड है हाउसिंग लोन से, ठीक है। मॉर्गेज में जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप हाउसिंग लोन लेने जा रहे हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, एज ए जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अब आपकी कोई सेपरेट भी हो सकती है, या फिर आप जिस हाउस के अगेंस्ट लोन लेने जा रहे हो उसको भी आप मॉर्गेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो एज ए सिक्योरिटी आपको बैंक को पास रखना पड़ता है, ठीक, मतलब उसके जो टाइटल पेपर्स हैं, बैंक के जो उस प्रॉपर्टी के जो मेन कागजात हैं ओनरशिप के, वो आपको बैंक को ट्रांसफर करने पड़ते हैं, बैंक के पास रखने पड़ते हैं। और जब तक आप इस लोन को नहीं चुका लेते हो, तब तक आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, इसी को हम कहते हैं मॉर्गेज। नेक्स्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये क्या है? स्विफ्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेल्जियम में। और इसका यूज क्या है? जब भी आपको इंटर कंट्री, ठीक है, फंड ट्रांसफर करना होता है, मेन इसका कारण मैं बता रहा हूँ, मेन इसका यूज बता रहा हूँ स्विफ्ट का। जैसे कि आप विद इन इंडिया करना है तो आप एनईएफटी करके फंड ट्रांसफर कर लेते हो, ठीक है, आरटीजीएस कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको दूसरी कंट्री में अगर ट्रांसफर करना है तो आपको स्विफ्ट का यूज करना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल बैंकिंग? अब यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब क्या है कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो एक पर्टिकुलर बैंक में अवेलेबल है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन ए बैंक, मतलब इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर दे वो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए मान लीजिए म्यूचुअल फंड की भी सर्विस वो प्रोवाइड करता हो, बैंकिंग की तो वो कर ही रहा हो, ठीक है। तो जब हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर देते हो कोई पर्टिकुलर बैंक को, तो बोलते हैं उसको यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसको आरबीआई के थ्रू यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ है। ये हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी आप बोलोगे उतनी फाइनेंशियल सर्विसेज ये आज के टाइम में प्रोवाइड करता है। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर
एम्प्लॉयज, बैंक के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ये किस तरह का रिस्क होता है? तो ये रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क। मान लीजिए जो भी बैंक के ऑपरेशन है, मतलब बैंक के ऑपरेशन के अंदर जितने भी बैंक के रेगुलर काम है उन पे इफेक्ट पड़ेगा। जब बैंक के रेगुलर कामों पे इफेक्ट पड़ता है तो हम उसे बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। या और तरह के एग्जांपल्स में बता दूं, अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने गलत बिल पास कर दिया, या गलत जो पर्ची होती है, या मान लीजिए डिपॉजिट की रिसिप्ट है, ठीक है, डिपॉजिट की रिसिप्ट पे गलत ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वो ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर भी कवर होती है आपकी ऑपरेशनल रिस्क में, ठीक है, आपके ऑपरेशंस अफेक्ट होते हैं। किस तरह के कितना कैप है लोन अमाउंट पे जो एनबीएफसी एमएफआई है, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टाइप की जो एनबीएफसी है, वो कितना मैक्सिमम लोन ले सकती है, उनकी लिमिट क्या है? तो वो है 50,000। याद रखिएगा माइक्रो फाइनेंस जहां भी वर्ड आएगा और वहां पे लोन अमाउंट की बात हो या क्रेडिट अमाउंट की बात हो, तो वो 50,000 मैक्सिमम होता है। किस तरह के रिजर्व्स जो है लिक्विडिटी बफर की तरह एक्ट करते हैं क्राइसिस के टाइम में, तो वो आपको पता होना चाहिए। सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर, स्टैटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दो तरह के बैंक को रेशियोज जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। चाहे जितना उनका डिपॉजिट हो रहा हो, जितना प्रॉफिट हो, जितना लॉस हो, ये उनको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना होता है, और ये अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंस्ट्रक्शन मेंटेन करता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास जमा करना होता है बैंक्स को, और ये अपने पास ही विद इन इट सेल्फ एसएलआर को अपने पास एज सिक्योरिटी रखना होता है, मेंटेन करना होता है, जिससे कि जब भी क्राइसिस का कोई टाइम आए, ठीक है, तो वो इन फंड को यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। लाला लाजपत राय किस बैंक के फाउंडर थे? इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म जिसको आप अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं, और ये कॉरपोरेशन इश्यू करती है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई क्रेडिट रेटिंग हो, ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग वाली कॉरपोरेशन ही इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इश्यू कर सकती है, तो वो है कॉमर्शियल पेपर। इनमें से कौन है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आता है? तो इसका आंसर है इंडिजीनियस बैंकर्स। जो पुराने जमाने में बैंकर्स होते थे, साहूकार जिन्हें कह लीजिए, जिनके पास आप अपनी इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल्स को गिरवी करके लोन लेते थे या अपना डिपॉजिट भी रखते थे, उस तरह के बैंकर्स को बोलते थे हम इंडिजीनियस बैंकर, और ये किसी के अंडर नहीं आते थे, इसीलिए इनको अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट बोला गया है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है? तो वो है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये बनाई है बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी मेंबर कंट्रीज की। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? तो इसका आंसर है ब्यूनोस एयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी चेक है जिसको जो पेएबल होती है जब उसे पेमेंट के लिए किसी भी बैंक काउंटर में पेश किया जाए, मतलब किसी भी पर्सन को, सॉरी, ये पेएबल होती है अगर वो कोई भी पर्सन जो भी है वो उसे प्रेजेंट करते बस बैंक काउंटर पे पेमेंट के लिए, तो वो चेक पे हो जाती है। तो इसका आंसर है बीएरआर चेक। नेक्स्ट, एमडीआर क्या होता है? एमडीआर होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये टर्म अभी हाल ही में काफी न्यूज में आया था क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इस पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट माफ कर दिया है मर्चेंट्स के लिए। ये जनरली वो रेट होता है जो कि, फॉर एग्जांपल, ये देख लीजिए, मर्चेंट है मतलब दुकानदार मान लीजिए, ठीक है, शॉप ओनर जो कि अपने
शॉप में पॉस मशीन, एटीएम कार्ड यूज करने के लिए जो पॉस मशीन होती है वो इंस्टॉल करता है, वो रखता है, और ये है आपके कस्टमर और ये है आपका बैंक। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर पॉस मशीन के थ्रू ट्रांजेक्शन करता है, पैसा देता है, तो उसको मर्चेंट को एक एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट फिक्स होता है पर ट्रांजेक्शन, वो देना होता है बैंक्स को। अब इसमें भी दो तरह के बैंक है, एक बैंक जो कि एटीएम कार्ड इश्यू करते हैं इशूइंग बैंक, और एक बैंक जिसके लिए वो पेमेंट है, मतलब जिसका वो कार्ड है जिसके थ्रू पेमेंट हुआ, एक जिसकी पॉस मशीन है और एक जिसका कार्ड है जो स्वाइप करा गया। ठीक है, तो इन दोनों में बैंक को क्या करना होता है, एमडीआर चार्जेस जो है जनरली इन दोनों चार्जेस में बाइफरकेट हो जाता है। ये एक तरह की फीस होती है जो मर्चेंट को देनी होती है पर ट्रांजेक्शन। मिनिमम लिमिट नेपाल में सेंड करने के लिए एनईएफटी के थ्रू इन ए सिंगल डे कितनी है, तो इसका आंसर है 50,000। नोटिस मनी क्या होता है, कितने दिन के लिए होता है, तो नोटिस मनी होता है बिटवीन 2 to 14 days का जो टाइम है, अगर उसके बीच में कोई मनी की आवश्यकता पड़ती है उसे हम बोलते हैं नोटिस मनी, और जो ओवरनाइट मतलब वन डे होता है उसे हम बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, और मोर देन 14 days मतलब 15 days एंड अबव होता है उसे हम बोलते हैं 15 days एंड अबव होता है उसको हम बोलते हैं टर्म मनी। किसान विकास पत्र में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करने का कितना है, इसका आंसर है 1,000। जितने भी म्यूचुअल फंड है भारत में उनको किस ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड होना होता है, तो उसका आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है, एनएससी नहीं, केवीपी नहीं, पीपीएफ नहीं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं, ये सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आती हैं, तो इसका आंसर होगा नन। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आम नहीं है, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, बाकी सभी जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। किस कंट्री ने अभी हाल ही में नई एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है अपनी डेब्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपना जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए, तो वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी हाल ही बहुत ज्यादा डेब्ट रिडन हो चुकी है, बहुत ज्यादा कर्जा ले चुकी है, और जो मोस्ट ऑफ द उसका कर्जा है वो यूएस से है। ठीक है, और यूएस ने वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा दिया है कि अब वो कोई भी ट्रांजेक्शन अपनी करेंसी के थ्रू नहीं कर सकती, तो उसकी जो करेंसी है बोलीविया जिसे बोलते हैं बोलीवियार करके, तो उसकी अब कोई वैल्यू रह नहीं गई है, तो इसका रीजन है उसने क्रिप्टो करेंसी जिसको डिजिटल करेंसी हम बोलते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होती है, वो जो है लॉन्च करी है, जिसका नाम है पेट्रो। ठीक है, जो कि जितने भी उनके पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू बैग्ड है। ठीक है, तो ये है पेट्रो जो कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है वेनेजुएला ने। इंडिया ने अभी लोन एग्रीमेंट साइन करा है वर्ल्ड बैंक के साथ किस चीज के लिए, तमिलनाडु के इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, वो कितने मिलियन का है, तो 318 मिलियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसमें करीब 5,00,000 फार्मर्स हैं, 5,00,000 फार्मर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल दोनों मिला के। ठीक है, और इसमें करीब 4,800 इरिगेशनल टैंक्स और 477 डैम्स बनाए जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, और काफी हद तक इसको जो है
इरिगेशन जो है तमिलनाडु का वो इम्प्रूव करा जाएगा, मॉडर्नाइज करा जाएगा। और वर्ल्ड बैंक ने तो इसको साइन कराई, लेकिन वर्ल्ड बैंक के किस आर्म ने कराया अगर ये क्वेश्चन आ चुका आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी करीब इस जो भी लोन एग्रीमेंट है उसकी मैच्योरिटी है अराउंड 19 ईयर्स, 19 साल में इसको खत्म करना है, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है। ठीक है, मतलब टोटल 24 ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, कौन सी ऐसी सिटी है जिस जहां पे एनुअल मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वो है डेवोस। डेवोस कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसमें मैं बता दूं आपको, जितने भी सीईओज हैं, इंपॉर्टेंट सीईओज, उनका ये इवेंट है, और इसमें पीएम मोदी जी इसमें जाने वाले हैं इस इवेंट में। ये करीब 20 साल में कोई भारत का पीएम जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस इवेंट में। लास्ट जो गए थे वो 1997 में गए थे, एचडी देवगौड़ा जी। ठीक है, 1997 में एचडी देवगौड़ा जी गए थे, उसके बाद से कोई नहीं गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। किस यूनियन मिनिस्टर ने दर्पण स्कीम को लॉन्च करा है? ठीक है, तो इसका आंसर है मनोज सिन्हा। इसका आंसर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है? जो कम्युनिकेशन के यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दर्पण प्रोजेक्ट है क्या? ये दर्पण प्रोजेक्ट है एक्चुअल में, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा आप समझ जाओगे, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। समझ गए होंगे आप, पोस्ट ऑफिस को डिजिटलाइज्ड करना एक तरीके से, ये है। नेक्स्ट, भारत ने अभी एग्रीमेंट साइन करा है टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जनवरी 2018 से, वो कौन सी कंट्री है? ठीक है, तो वो कंट्री है स्विट्जरलैंड। आपको बताया, एकमात्र स्विट्जरलैंड ही एक ऐसी कंट्री है, टैक्स हेवन है एक्चुअल में, जहां पे लोग अपना काला धन रखते हैं। ठीक है, इस वजह से मैक्सिमम जो एग्रीमेंट होते हैं टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने को स्विट्जरलैंड से ही करे जाते हैं। इंडिया ने कितना अमाउंट का अभी लोन एग्रीमेंट साइन करा है इस ट्राइव प्रोजेक्ट के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर है $125 मिलियन। $125 मिलियन का प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म में मैं बता दूं आपको, स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट ऑपरेशन। ठीक है, ये इस टाइप का फुल फॉर्म है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है, उसको क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, और मोस्टली ये अप्रेंटिसशिप जो होती है, अप्रेंटिसशिप उसको इम्प्रूव करना, अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करना। ठीक है, कौन सा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अभी कैशलेस पेमेंट ई नाम, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को डिजिटाइज करने की बात हो रही थी, उसके लिए कैशलेस पेमेंट के लिए कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अपने को एंगेज किया है? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक।
किस कौन गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंट करता है, तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी एक कमिटी है पर्टिकुलर, उसका कमिटी का नाम है अपॉइंटमेंट्स कमिटी, ठीक है। उस कमिटी में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जनरली, इस कमिटी को हेड करने वाले पीएम मोदी जी ही होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में अपॉइंट करती है वो अपॉइंटमेंट कमिटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि एमडीआर को, एमडीआर चार्जेस को, कितने एमडीआर चार्जेस को बियर करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट अभी हाल ही के उस अपने अनाउंसमेंट में डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए। तो 2000 अप टू 2000 तक के जो ट्रांजेक्शन है वो एमडीआर से, एमडीआर फी जो है उनकी, वो गवर्नमेंट जो है वो चुकाएगी मर्चेंट के लिए। मतलब मर्चेंट को अप टू 2000 के ट्रांजेक्शन पे एमडीआर फीस नहीं देनी है, या अगर वो देगा भी तो गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स कर देगी। इंडिया ने अभी एक लोन एग्रीमेंट सैंक्शन करा है वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, संकल्प प्रोजेक्ट के लिए। वो कितने मिलियन का है, तो उसका आंसर है $250 मिलियन, ठीक है। और ये जनरली क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ठीक है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है। और इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि जो इंस्टीट्यूट की मैकेनिज्म है, स्किल डेवलपमेंट जो जितने भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ओबो पे को रिसेंटली अभी पीपीआई का लाइसेंस दिया गया है। ओबो पे एक्चुअली मोबाइल पेमेंट की कंपनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो पीपीआई का फुल फॉर्म यही है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। भारत की रैंक 2017 लिगेटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में कितनी है, तो ये 100 हो गई है, ठीक है। आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक ने अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें भी भारत की रैंक निकाली थी, उसमें भी भारत की रैंक 100 है, जो कि उससे पहले कितनी थी 130 थी, 30 रैंक का जंप करा है भारत ने उसमें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी लिगेटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में भी कितनी कंट्री प्रॉस्परस है, उसके कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली भारत की रैंक 100 बताई है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2018 के अंतर्गत कौन सा, भारत की जीडीपी की ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट करी गई है 2018 में, तो इसका आंसर है 7.2%। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है, यूनाइटेड नेशंस निकालता है। नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका आंसर है उमा शंकर जी, जो कि आरबीआई के ही सीजीएम थे, सेंट्रल, इसको क्या बोलते हैं, चीफ जनरल मैनेजर, सीजीएम रह चुके हैं ये आरबीआई में ही, ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट मोस्टली इन्होंने हैंडल करा हुआ था। किस कंट्री में शैडो बैंकिंग मार्केट सबसे बड़ी है वर्ल्ड में, तो इसका आंसर है यूएसए। शैडो बैंकिंग क्या होती है, शैडो बैंकिंग इस तरह की एक मार्केट होती है जो कि जो भी रेगुलेटर होता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर, उससे छुप के बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस करती है, मतलब बैंकिंग प्रोवाइड करती है रेगुलेटर से छुप के, तो एक तरीके से इलीगली हुआ, ठीक है। भारत में भी अच्छी खासी प्रेजेंस है इसकी, लेकिन यूएसए में सबसे ज्यादा बड़ी शैडो बैंकिंग की मार्केट है। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर, आई होप दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, एंड most of the
questions explanation will help you in your upcoming examination. Thanks for watching our lecture. Goodbye.